हेलो गाइस, वेलकम टू फार्म हॉटस्पॉट। इन दिस वीडियो वी गोन डिस्कस अबाउट लिमिट टेस्ट्स। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लिमिट टेस्ट क्या होता है, एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, देन सल्फेट, आयरन, लेड और आर्सेनिक। पहले हम देखते हैं कि लिमिट टेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है। सो बेसिकली लिमिट टेस्ट आर दोज टेस्ट विच आर जनरली परफॉर्म्ड टू आइडेंटिफाई इम्प्योरिटीज़ बाय द टेस्ट सॉल्यूशन विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। सो लिमिट टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं इम्प्योरिटी जानने के लिए, उसको हम कंपेयर करते हैं टेस्ट सॉल्यूशन को विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट, आयरन एंड अदर हैवी मेटल्स आर परफॉर्म्ड इन नेसलर्स सिलेंडर। जो ये क्लोराइड के, आयरन का, सल्फेट का और जो भी हैवी मेटल्स होते हैं उसका हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं नेसलर्स सिलेंडर के अंदर। आप डायग्राम भी देख सकते हो। एंड जो लिमिट टेस्ट आर्सेनिक का है वो हम करते हैं गडजिट एपरेटस के अंदर। सो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कई बार कि हम केवल आर्सेनिक का ही क्यों करते हैं गडजिट में, हम आर्सेनिक का भी नेस्लर में क्यों नहीं कर सकते। इसका रीज़न ये है गाइस कि आपको पता है कि आर्सेनिक होता है वो आर्सेनिक गैस में कन्वर्ट होएगा। आगे जाके आप देखोगे भी इस वीडियो में। तो जो आर्सेनिक गैस को इवेपोरेशन से बचाने के लिए, प्लस में वो बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होती है तो जल्दी से आग नहीं पकड़े, प्रोटेक्ट करने के लिए हमको एक कवर्ड अपरेटस चाहिए और ये टॉक्सिक भी बहुत होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने गडजेट एपरेटस का यूज़ किया हुआ है, क्योंकि नेस्लर सिलेंडर ऊपर से ओपन भी है और काफ़ी सारा अनसेफ है उसमें यूज़ करना आर्सेनिक एसिड को। इफ़ टेस्ट सॉल्यूशन हैव मोर टर्बिडिटी देन स्टैंडर्ड, देन टेस्ट सॉल्यूशन फेल्स द लिमिट टेस्ट। अगर टर्बिडिटी स्टैंडर्ड वाली टेस्ट ट्यूब से ज़्यादा है तो वो टेस्ट को पास नहीं कर पाती। बट अगर टेस्ट सॉल्यूशन हैव लेस टर्बिडिटी देन स्टैंडर्ड, देन टेस्ट सॉल्यूशन कंप्लाइज विद लिमिट, तो वो टेस्ट को पास कर देगी और जो लिमिट है उसी रेंज के अंदर रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। सो इट इज़ बेस्ड अपॉन द रिएक्शन ऑफ सोल्यूबल क्लोराइड विद सिल्वर नाइट्रेट ऑन द रिएक्शन ऑफ सोल्यूबल क्लोराइड विद सिल्वर नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3 टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड विच अपियर्ड एज सॉलिड पार्टिकल इन द सोल्यूशन। सो गाइज, इसमें जो रिएक्शन होगी वो होगी एक तो सोल्यूबल क्लोरीन की विद सिल्वर नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3। ओके, सो बेसिकली HNO3 का काम क्या होता है कि जो AgCl है उसकी प्रेसिपिटेशन करवा सके। ये Ag पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव कंबाइन होकर बना लेगा AgCl, एंड जो ये NO3 बचा हुआ है वो एक मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएगा। ये हम जनरली करते हैं। सपोज़ करो कोई हमारे पास सैंपल है और हमें उसमें पता लगाना है कि उसमें क्लोरीन प्रेजेंट है या नहीं है। सो हम सिंपली क्या करेंगे, उसमें AgNO3 हम ऐड कर देंगे और जिसकी वजह से AgCl प्रेसिपिटेशन हमको उस सॉल्यूशन में दिख जाएगा और हम उसकी टर्बिडिटी से देख सकते हैं कि उसमें क्लोराइड है या नहीं है। सो टर्बिडिटी बिटवीन टेस्ट एंड स्टैंडर्ड इज़ कंपेयर्ड। नेक्स्ट हमारे पास आती है ये सल्फेट। सल्फेट में अगर आप देखो तो इट इज़ बेस्ड अपॉन द रिएक्शन ऑफ सोल्यूबल सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड BaCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। ये हो गया टू फॉर्म बेरियम सल्फेट विच अपियर्ड एज टर्बिडिटी। सो ये जो BaSO4 है ये टर्बिडिटी क्रिएट करेगा जिससे हमें पता लग जाएगा कि सॉल्यूशन में सल्फेट है या फिर नहीं है। सो हम सिंपली उसमें BaCl2 ऐड कर देंगे और फिर हम टर्बिडिटी मेजर करेंगे। अब इसमें हमने HCl इस मारे यूज़ करा है क्योंकि वो pH को एसिडिक बनाएगा और एसिडिक pH में ही BaSO4 टर्बिडिटी शो करेगा। और हम एल्कोहल भी यूज़ करते हैं सुपर सेचुरेशन से बचाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि टर्बिडिटी हम ऑब्जर्व करेंगे ट्रांसवर्सली, मतलब ऊपर से नीचे की साइड हम ऑब्जर्व करेंगे। जो हमें ऑब्जर्व करनी है कि ऊपर से लाइट होगी और नीचे से डार्क डार्क होती जाएगी।
तो हम ट्रांसवर्सली उसे एब्जर्व करेंगे, और पीछे हम डार्क बैकग्राउंड रखेंगे कोई ब्लैक क्लॉथ के अगेंस्ट रख के टेस्ट ट्यूब को, या फिर हम बैकग्राउंड उसका डार्क रखेंगे। उसके बाद वही टर्बिडिटी हम कंपेयर करेंगे बिटवीन टेस्ट एंड स्टैंडर्ड वन। उसके बाद हमारे पास आता है आयरन। इस आयरन में आप देख सकते हो कि टेस्ट इज़ बेस्ड अपॉन द रिएक्शन बिटवीन फेरस एंड थायो ग्लाइकोलिक एसिड। सो हमारे पास फेरस और थायो ग्लाइकोलिक एसिड है, ये थायो ग्लाइकोलिक एसिड है, ओके। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ NH2, यहाँ पे हम NH2 ऐड करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एल्कलाइन मीडियम क्रिएट होगा, और एल्कलाइन मीडियम में ये सारी रिएक्शन होती है टू फॉर्म फेरस थायो ग्लाइकोलेट। सो ये हमारे पास है फेरस थायो ग्लाइकोलेट, ओके। जब तो हमने फेरस और थायो ग्लाइकोलिक एसिड को रिएक्ट करा और हमारे पास बन गया फेरस थायो ग्लाइकोलेट। अब जो फेरिक आयन है वो रिड्यूस होते हैं फेरस आयन में, थायो ग्लाइकोलिक एसिड इसको रिड्यूस करेगा, ओके। और जो फेरस थायो ग्लाइकोलेट बना है वो एक कलरलेस होगा न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में, बट अगर हम उसमें NH2 ऐड कर देंगे, उसको बेसिक बना देंगे, तो एल्कलाइन मीडियम में वो डीप रेडिश पर्पल कलर शो करेगा। सो आप देख सकते हो कि ये पेल पिंक कलर चेंज हो जाएगा डीप रेडिश पर्पल कलर में। ये कब होगा, एल्कलाइन मीडियम में होगा, ठीक है। एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में कोई कलर शो नहीं करेगा, ओके। कलर बिटवीन टेस्ट एंड स्टैंडर्ड इज कंपेयर्ड बाई ऑब्जर्विंग द ट्यूब वर्टिकली अंडर द ब्राइट बैकग्राउंड। इसमें हमें याद रखना है कि ब्राइट बैकग्राउंड लेना है, सो डैट जो पर्पल कलर है वो ईजिली ऑब्जर्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट टेस्ट ऑफ लेड। इसमें बेसिकली हमने रिएक्शन करी है बिटवीन द लेड एंड डाइथायाजोन के संग, जो रेड कलर देगा क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आर्सेनिक। आर्सेनिक में बेस्ड है ये आर्सेनिक गैस एंड हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म येलो स्टेन ऑन मर्करी क्लोराइड पेपर इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारे पास है आर्सेनिक गैस एंड ये मर्क्यूरिक क्लोराइड का एक पेपर है। सो इस पे येलो और ब्राउन कलर ये शो करेगा। तो अब देखते हैं कि अगर ये इम्प्योरिटी है आर्सेनिक, तो ये कैसे आर्सेनिक गैस में कन्वर्ट हुई है वो हम जान लेते हैं, और कैसे हम पता लगाएंगे। सपोज़ करो कि आर्सेनिक नॉर्मली आर्सेनिक एसिड के फॉर्म में पाया जाता है सॉल्यूशन में। सो जैसे कि हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट हम उसमें ऐड करेंगे, चाहे वो स्टेनिक एसिड हो या फिर हम पोटेशियम आयोडाइड ऐड करें, तो हम कुछ भी इसमें ऐड करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो कन्वर्ट कर देगा आर्सेनिक एसिड को आर्सेनियस एसिड में। आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट होने के बाद अगेन हम आर्सेनियस एसिड को हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस करेंगे। सो एक और हमने रिड्यूसिंग एजेंट डाला, ये क्या करेगा, ये बना लेगा आर्सीन में, जो कि हमारे पास है गैस की फॉर्म में। सो फिर हम इस आर्सीन गैस को मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर पे यूज़ करके हम इसमें स्टेन ऑब्जर्व करेंगे कि, और इससे पता लग जाएगा कि स्टेन से, अगर स्टेन प्रेजेंट है इसका मतलब है कि उसमें इम्प्योरिटी है। इतना ही था गाइस आज की इस वीडियो में। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ़ यू आर न्यू हेयर ज्वाइन अस बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।